जयदाता निशा, आप देख रहे हैं शुभ समय राजपुरोहित लाइव। मैं हूं संत सिंह क्रांति। श्री खेतेश्वर ध्यान कक्ष, जी हां, श्री खेतेश्वर मेडिटेशन सेंटर, ये शुभ समय मीडिया हाउस ने एक ऐसे ध्यान कक्ष का निर्माण किया है जिस संत ने 12 साल तक मेडिटेशन ध्यान योग से तपस्या की और उसके बाद जो इस सृष्टि पर असंभव था उस कार्य को संभव किया। सृष्टि रचयिता श्री ब्रह्मा जी महाराज को मृत्यु लोक में उतारा और उनकी प्राण प्रतिष्ठा करके साक्षात ब्रह्म धाम में स्वर्ग लोक को उतारा। 12 साल का ये ध्यान, ऐसे महान संत का शुभ समय मीडिया हाउस ने ध्यान कक्ष का निर्माण किया है। ये केवल लगभग 7 मिनट का है, मेडिटेशन कक्ष है। आप जब भी किसी मानसिक तनाव में हो या बुरे विचार आते हो या कुछ भी सुझाई नहीं देता हो, अपने आप को अकेला महसूस करते हो, तो आप 7 मिनट केवल दीजिए इस ध्यान कक्ष को। मेडिटेशन कक्ष के सामने बैठ जाइए और एकाग्र होकर के कोशिश करें, केवल कान और आंखें खुली रखें, फिर धीरे धीरे कान खुले रखें और धीरे धीरे आंखें बंद करें। ध्वनि आत्मसात करते हुए अंतर मन से संत खेतेश्वर की छवि को निहारना शुरू करें। धीरे धीरे आपका मन शीतल होना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे आपका मन शीतलता की ओर बढ़ेगा और एक अच्छा सुकून महसूस करेंगे आप। ये नित्य प्रतिदिन, ये हर दिन करें और उसके बाद अपने कार्य में लग जाएं। आपका मुश्किल से मुश्किल काम भी हल हो जाएगा, आपका मुश्किल से मुश्किल काम भी हल होता दिखाई देगा। हर दिन ध्यान करते वक्त आंखों के सामने हृदय पटल पर एक रोशनी, एक प्रकाश पुंज अगर आपको दिखाई देना शुरू करे और दाता खेतेश्वर की छवि दिखाई देनी शुरू करे, तो समझना आपने साक्षात्कार शुरू कर दिया है। प्रकृति का ये तेज आने लग गया, ये समझना संत खेतेश्वर के चरणों में आप जो बैठे हो या बैठ रहे हो, ध्यान लगा रहे हो, उनसे रूबरू होने की तैयारी है, लेकिन अभ्यास जरूरी है। तो आइए, स्वागत है आपका श्री खेतेश्वर ध्यान कक्ष में।